चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। शुक्रवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि चुनाव सिर्फ एक ही फेज में होंगे। इससे पहले 2017 में भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव एक ही चरण में हुए थे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। पिछली बार 9 नवंबर 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी विजयी हुई थी। बीजेपी ने 68 में से 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 21 सीटें ही मिली थी। बीजेपी ने जयराम ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया। इस बार फिर हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होने की संभावना है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। वहीं चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। दिवाली के बाद गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की कुल 182 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 92 सीटों का बहुमत जरूरी है। 5 साल पहले साल 2017 में 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक गुजरात में वोटिंग हुई थी। 18 दिसंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया था। बीजेपी ने चुनाव जीतने पर विजय रूपाणी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2021 में फिर भूपेंद्र पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी के तैयारी के साथ उतरने से सत्तारूढ़ बीजेपी और विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथ त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है।